फरवरी शुरू होते ही मौसम में तेजी से बदलाव शुरू हो गया है मौसम विभाग के अनुसार नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में बूंदाबांदी हो सकती है पूर्व यूपी में विक्षोभ का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा मौसम विभाग के अनुसार नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने का आसार अंशा आकांक्षी रूप से जो है पश्चिमी उत्तर पर अभी पड़ रहा है इसके कारण पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हल्की बारिश होने की संभावना है पूर्वी उत्तर प्रदेश पर इस पश्चिमी विक्षोभ का कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा उत्तर प्रदेश के ज्यादातर इलाके सूखे रहेंगे वहीं उत्तरी पश्चिमी हवाओं के चलने से मौसम में ठंड बरकरार रहेगी आने वाले सात दिनों तक मौसम ऐसा ही बना रहेगा अधिकतम और न्यूनतम तापमान में हल्की कमी दर्ज की जाएगी इसके साथ ही बुधवार को उत्तर प्रदेश का वाराणसी सबसे ज्यादा गर्म जो कि जिला है यहाँ के अधिकतम तापमान छब्बीस डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड की गई फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट सबसे ज्यादा ठंडा रहा यहां का न्यूनतम तापमान आठ डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया